क्या आप जानते हैं केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई देवीय घटना या सत्य कथा है? सवाल कई हैं और जवाब केवल एक। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। यह वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्यों कहते हैं केदारनाथ को जागृत महादेव। यह एक सच्चे शिवभक्त की सत्य कथा है। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान है। आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव क्यों कहते हैं। एक परम शिव भक्त के साथ घटित सच्ची घटना की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और अंत में आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि केदारनाथ जागृत महादेव क्यों है। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं। आपको यह बता दूं कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत परेशान हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर, मुझे महादेव के दर्शन करने दो। पुजारी जी ने एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो या तो 6 महीने बाद आना या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। दोस्तों, अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहां से हिलूंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और यकीन था कि प्रभु कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, वो महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह आदमी मंदिर के बाहर बैठा शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वो बैठा रहा। रात में एक अघोरी बाबा समान एक आदमी उसके पास आया और उसको खाने के लिए खाना दिया और आग भी जलाई। उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग लगाए देता हूं। शिव भक्त सच में बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट में उसकी नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान भी नहीं पाए,
ऐसा सुन उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मासूम शिव भक्त ने सारी बात बताई कि रात में एक अघोरी बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे सोने के लिए कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे? शिव भक्त ने कहा, एकदम अघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड। बस इतना सुनकर पुजारी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे पास स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं और उनके तीर्थ को आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। मेरी हर सच्चे शिव भक्त से विनती है कि इस वीडियो को सभी शिव भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो शिव की महिमा और लीला जान सकें और यह भी जान सकें कि शिव कितने दयालु हैं और कितने भोले हैं कि वो अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। नत पार्वती हर हर महादेव हर। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल के दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर बने थंबनेल पर क्लिक करें।